देखेंगे महिला नागा साध्वी के बारे में खास जानकारी। महिला नागा साध्वी के ये सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अमूमन हम सभी यही मानते हैं कि केवल पुरुष ही नागा साधु बनते हैं, लेकिन आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि महिलाएं भी नागा साधु बनती है। दरअसल इस बात की चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि इस बार कुंभ मेले में महिला नागा साधु भी शामिल हो रही है। इसलिए आज हम आपको महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महिला नागा साधुओं की दुनिया किस तरह से पुरुष महिला साधुओं के जैसी होती है। तो आइए देखते हैं कितनी रहस्यमयी है महिला नागा साधुओं की दुनिया। आज हम आपको महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं सच्चाई की आखिर महिला नागा साध्वी की जिंदगी होती कैसे है। पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन। महिला नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को 10 से 10 साल तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक है। इसके बाद इस बात का निर्णय लिया जाता है कि वो महिला ब्रह्मचार्य का पालन कर रही है और उसे नागा साधु बनाया जा सकता है। इस बात का निर्णय महिला नागा साधुओं की गुरु करती है। बालों का मुंडन करना पड़ता है। महिला का नागा संन्यासन बनने से पहले मुंडन किया जाता है। इसके अलावा उसकी पूरी संपन्नता सुनिश्चित करने के लिए उसे यह साबित करना होता है कि वह अपने परिवार से दूर हो चुकी है और अब किसी भी बात का मोह नहीं है। शाही स्नान करती है साध्वी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभ में नागा साधुओं के साथ महिला संन्यासन भी शाही स्नान करती है। नागा संन्यासन को अखाड़े के सभी साधु और संत माता कहते हैं और पूरा सम्मान करते हैं। बेहद कठिन तरीके से रहती है महिला नागा संन्यासन। पूरे दिन भगवान का स्मरण करती रहती है। वो शिव जी का जप करती है और सिर्फ भोजन के वक्त ही थोड़ा बहुत आराम करती है। महिला नागा संन्यासन को संन्यासन बनने से पहले स्वयं का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है, यानी वो खुद को मृत मान लेती है। ऐसी ही खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हमारे न्यूज के अपडेट पाने